अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ समीन, आपकी फ़िज़िक्स टीचर। आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से मैं स्टार्ट इसलिए नहीं करवा रही, वो इस तरह का चैप्टर है कि जब आप पूरी फ़िज़िक्स पढ़ लोगे वो आपको काफ़ी हद तक वैसे ही आ जाएगा। तो जब पूरी फ़िज़िक्स आप कंप्लीट कर लोगे तो मैं चैप्टर नंबर 2 जो हो चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपको लास्ट में करवाऊँगी। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 2 में। काइनामेटिक्स बेसिकली है क्या, आप लोग याद रखें, फिज़िक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। फिज़िक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसका डायरेक्ट लिंक जो है वो मोशन के साथ है। अब मोशन के साथ है मींस मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मोशन के बारे में क्या स्टडी करते हैं, उसकी कॉज, मतलब मोशन किस वजह से है, उसकी टाइप, उसकी किस्म, उसकी नेचर किस तरह की है, कि आया कि बॉडी एक सीधी लाइन में हरकत कर रही है, रैंडमली मूव कर रही है, एक सर्कल में मूव कर रही है, किस तरह कर रही है। अच्छा बच्चों, चैप्टर जो मैकेनिक्स है उसको दो टाइप्स में, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ काइनामेटिक्स, सेकेंड वन इज़ डायनामिक्स। काइनामेटिक्स जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, डायनामिक्स जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। काइनामेटिक्स और डायनामिक्स क्योंकि मैकेनिक्स की ही क्लासिफिकेशन है, मैकेनिक्स को ही काइनामेटिक्स और डायनामिक्स में डिवाइड किया गया है, तो इस बात से ये बात आपको क्लियर हो जाती है, काइनामेटिक्स हो या डायनामिक्स हो, दोनों का लिंक जो है वो मोशन के साथ है। मींस दोनों में आप मोशन के बारे में स्टडी करोगे। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इफ़ काइनामेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन एंड डायनामिक्स इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ मोशन, देन वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो आप काइनामेटिक्स की पहले डेफिनेशन में है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायनामिक्स की डेफिनेशन में आए तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दोनों में मोशन का मुतालिया, किसी जिस्म की हरकत का मुतालिया किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि काइनामेटिक्स और डायनामिक्स में फ़र्क क्या है। बच्चों काइनामेटिक्स में आप ये वर्ड गौर से देखें, विदआउट, काइनामेटिक्स जो है इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें मोशन की वजह का मुतालिया नहीं करते, मीन्स आप लोग ये स्टडी नहीं करते कि मोशन किस वजह से हो रही है, जस्ट उसकी मोशन का मुतालिया काइनामेटिक्स कहलाते हैं, बट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। डायनामिक्स जो है वो भी फिजिक्स की ब्रांच है या मैकेनिक्स की कह लें ब्रांच है, जिसमें आप लोग मोशन की स्टडी करते हो एंड द कॉज ऑफ मोशन और उसकी वजह को भी स्टडी करते हो, उसकी वजह का भी मुतालिया करते हो। सो वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स, काइनामेटिक्स इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ मोशन एंड डायनामिक्स इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ मोशन, बट काइनामेटिक्स में आप लोग कॉज को स्टडी नहीं करते, डायनामिक्स में आप कॉज को स्टडी करते हो, कॉज मीन्स वजह। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों को पता चल गया कि काइनामेटिक्स जो है वो आपकी मोशन से रिलेटेड है, मींस हम लोग इसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग मोशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि मोशन है क्या। अच्छा बच्चों, अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि काइनामेटिक्स का जो लिंक है डायरेक्टली वो मोशन के बारे में है, मोशन के साथ है, लेकिन कॉज के साथ इसका लिंक नहीं है। अब हम लोगों को क्योंकि मोशन के बारे में पहले पता होना चाहिए, देन हम लोग आगे इसकी डिटेल में जाएंगे। अच्छा बच्चों, मोशन के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बता दूं कि रिलेटिव टर्म्स क्या होती हैं। रिलेटिव टर्म्स ऐसे टर्म्स होती हैं कि जहां एक चीज़ का जिक्र आता है दूसरी का ऑटोमेटिकली आता है, जैसा कि रात का जिक्र आता है तो दिन का भी आता है, ब्लैक की बात करते हो तो साथ वाइट की बात आ जाती है। फॉर इसी तरीके से मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स हैं। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं कहती हूँ कि मोशन क्या है, आप लोग कहोगे कि एक बॉडी मोशन में होगी जब वो बॉडी रेस्ट में नहीं होगी, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि एक बॉडी रेस्ट में है, इसका क्या मतलब है, आप कह सकते हो कि एक बॉडी रेस्ट में तब है जब वो मोशन में नहीं है, तो बोथ आर द रिलेटिव टर्म्स, ठीक है, कि एक को बयान करने के साथ साथ आपको दूसरे के बारे में भी बयान करना पड़ता है, ऐसे टर्म्स को रिलेटिव टर्म्स कहा जाते हैं। अच्छा बच्चों, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में जाने से पहले, मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सराउंडिंग्स क्या होते हैं। सराउंडिंग कहते हैं इर्द गिर्द को। फॉर एग्जांपल
ये एक क्लासरूम है, इसमें ये एक स्टूडेंट बैठा है, ए उसका नाम है, ठीक है। उसके पीछे इस वक्त क्लासरूम का ये वाला पार्ट है, ठीक है। ए की सराउंडिंग में ये पार्ट है, ये मतलब इसके इर्द गिर्द में ये हिस्सा है, ये हिस्सा है। अब ए की सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही जब तक वो इसी पोजीशन में रहेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो रेस्ट की हालत में है, क्योंकि उसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही। वो एक मिनट हुआ वो इसी जगह पे था, दो मिनट हो गए वो इसी जगह पे, टाइम गुजरता चला गया लेकिन उसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही। उसके इर्द गिर्द देखो, यहाँ ये है, यहाँ ये है, उसके इस तरफ यही चीज़ है, यही है, मतलब उसके इर्द गिर्द की जगह चेंज नहीं हो रही, तो ऐसी स्टेट को हम कहेंगे कि द बॉडी इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अच्छा, अब अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन के बारे में अब हम लोग यही क्लासरूम फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक स्टूडेंट वही वाला ए है, इसकी सराउंडिंग देखें, ये वाला पार्ट है इधर, इसके इस फेस की तरफ ये है, ये वाला है, ये वाला है। अब लेट्स सपोज वो बॉडी मूव कर रही है, थोड़ी देर के बाद वो बॉडी इधर आ जाती है, तो देखें बच्चों इसकी सराउंडिंग चेंज हो गई, इसकी ये वाली जो साइड्स हैं जो उसका इर्द गिर्द है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है, उसका इर्द गिर्द चेंज हो रहा है, तो ऐसी स्टेट को कहा जाता है मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं कि किसी भी बॉडी को मोशन में तब कहा जाता है अगर वो बॉडी अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो, तो उसको कहा जाता है कि वो बॉडी जो है वो मोशन में है। एंड सॉरी, अगर चेंज ना कर रही हो तो कहा जाता है रेस्ट में है, अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो तो कहा जाता है वो बॉडी मोशन में है, ठीक है। तो इसकी मोशन की डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर जिसम अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा है तो कहा जाएगा वो बॉडी मोशन में है, अगर वो बॉडी अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो कहा जाएगा कि बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में है। अच्छा बच्चों, अब रेस्ट और मोशन की हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ ली, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। याद रखना कि एक बॉडी को आप, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है ए, एक बंदा है बी, एक बंदा है सी। ए जो है, बी कह सकता है कि ए जो है वो रेस्ट में है, सी कहता है कि ए जो है वो मोशन में है। अब गलत ज़रूरी नहीं कि ये भी हो ये भी हो, दोनों अपने अपने लिहाज से ठीक भी हो सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक बस है, ठीक है, इसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, मुसाफिर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये समझो, फ़र्ज़ करो कि बस चल रही है, चल रही हुई, चलती हुई बस में भी अगर ये ए बी सी डी एक दूसरे को देखते हैं तो वो क्या कहेंगे कि ये, अगर फॉर एग्जांपल ये अपनी सीट पे बैठा हुआ है, ये भी अपनी सीट पे बैठा है, तो ए क्या कहेगा, बी जो है वो किस हालत में है, रेस्ट में है, क्योंकि उसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल उसको बस का यही वाला शीशा मुसलसल बैक पे उसकी नज़र आ रहा है, उसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही। बट ये तो ए बी ने ए को कह दिया कि वो रेस्ट में है, बट सी को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो बस के बाहर खड़ा हुआ है, बस गुजर रही है। लेट्स सपोज यहाँ दुकानें हैं, एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान। सी जो है वो यहाँ बाहर खड़ा हुआ है, वो देखता है कि बस यहाँ से होती हुई यहाँ जा रही है, तो पहले बस के पीछे सराउंडिंग में ये पार्ट था, फिर ये था, फिर ये था, इस तरह आगे आगे आगे, आगे चलता जा रहा है, तो उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है। तो सी कहता है ए जो है वो मोशन में है, बी जो कहता है ए जो है वो रेस्ट पे है। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहते हैं मुशाहिदा करने वाले को, कि वो कौन है। अगर बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो कहा जाएगा वो बॉडी मोशन में है, अगर वो बॉडी अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो तो कहा जाएगा वो बॉडी रेस्ट में है। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि मोशन है क्या, रेस्ट क्या है। उसकी एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ ली बस वाली, अब हम लोग
स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की इकसाम। मोशन को आपकी बुक में थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन भी कहा जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन भी कहा जाता है, ट्रांसलेशनल। वैसे तो नाम से वैसे ही क्लियर हो जाता है, पर अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशनल मोशन क्या, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि भाई हमने तो ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या हो गया। रोटेटरी मोशन को जो कहा जाता है स्पिनिंग मोशन भी कहा जाता है। और वाइब्रेटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, हम पहले ट्रांसलेटरी मोशन आज पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जिस तरह आगे आगे मूव करते गए रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन भी पढ़ेंगे। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो एक ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी एक लाइन में मूव करती है, ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी एक लाइन में मूव करती है। अब जब लाइन का वर्ड आता है तो क्वेश्चन इंसान बच्चों के माइंड में आमतौर पे यही आता है कि लाइन का मतलब है ये लाइन, ये सीधी लाइन। बच्चों एक बात याद रखना, लाइन का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, द लाइन में बी अ कर्व लाइन, ठीक है। लाइन जो है वो ये भी होती है, दायरा नुमा। तो ये जो लाइन है ये हो गई स्ट्रेट लाइन, खते मुस्तकीम, बिल्कुल सीधी। ये जो लाइन है ये हो गई कर्व्ड लाइन। तो लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व भी। तो ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी जो है वो अलोंग अ लाइन मूव करती है, एक लाइन में हरकत करती है। वो लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, खते मुस्तकीम भी हो सकती है, और कर्व्ड लाइन भी हो सकती है, दायरा नुमा भी हो सकती है। बट आप लोग साथ याद रखना कि एक इसकी कंडीशन है ट्रांसलेशनल मोशन की, विदाउट एनी रोटेशन। मतलब बॉडी एक लाइन में तो हरकत करे लेकिन रोटेशन ना हो। फॉर एग्जांपल, ये एक सीधी लाइन हम फर्ज कर लेते हैं, ये एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी अगर इस तरह मूव कर रही है तो इसकी मोशन को आप कहोगे ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। ये कर्व्ड पाथ है, दायरा नुमा रास्ता, इसमें ये बॉडी इस तरह मूव कर रही है तो आप कहोगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। बट बच्चों ध्यान से देखना मार्कर की तरफ, ये एक बॉडी है, ये देखो ये मूव सीधी लाइन में कर रही है लेकिन ये अपने गिर्द स्पिन कर रही है, अपने गिर्द रोटेट कर रही है, अपने गिर्द घूम रही है। अगर ये बॉडी की भी बात करें, देखो घूम मूव वो सर्कल में कर रही, बट साथ साथ वो अपने गिर्द रोटेट कर रही है। अपने गिर्द जो रोटेट करना अगर किसी बॉडी की मोशन में आ जाता है तो उस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहते। तो आपने ट्रांसलेटरी मोशन में रोटेशन के वर्ड पे खास ख्याल रखना है कि अगर रोटेशन आ जाती है तो वो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी, अगर रोटेशन नहीं आती देन वो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन होगी। मीन्स देखो, अगर ये बॉडी सीधी लाइन में हरकत कर रही है ऐसे सिंपल, दैट इज़ द ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर वो बॉडी मूव लाइन में कर रही है बट वहाँ साथ रोटेशन आ जाती है तो उसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी बल्कि रोटेटरी मोशन होगी। ये हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन को आगे थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ द लीनियर मोशन, सेकेंड वन इज़ द सर्कुलर मोशन एंड द थर्ड वन इज़ रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में आपने पढ़ा कि बॉडी लाइन में हरकत करती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। अब अगर ट्रांसलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसी मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। अगर वही वाली ट्रांसलेटरी मोशन कर्व्ड पाथ में हो, कंप्लीट कर्व क्या बनाती है सर्कल, अगर वो सर्कल में हो तो उस मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। बट अगर वो लाइंस जो है वो बेतरतीब है, रैंडम है, देखो ये एक लाइन है, ये है, ये है, इस तरह आया, इधर आया, इस तरीके से रैंडम आ गई, बेतरतीब अंदाज से आ गई, या इरेगुलर आ गई, बेतरतीब अंदाज में अगर हरकत होगी तो ऐसी मोशन को आप लोग क्या कहते हो, रैंडम मोशन। अब बच्चों मैं थोड़ा सा ब्रीफ सा आपको पूरे लेक्चर का ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया काइनामेटिक्स। हमने पढ़ा कि काइनामेटिक्स मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन
कॉज को स्टडी नहीं करते, उसकी वजह को स्टडी नहीं करते। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो तो वो बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो बॉडी रेस्ट में है। फिर हम लोगों ने मोशन की 3 टाइप्स के बारे में देखा, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी एक लाइन में मूव करती है, लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, बट विदाउट एनी रोटेशन, लेकिन अपने गिर्द घूमे बगैर। रोटेटरी मोशन का मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि इसको स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, बट ये हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी जो स्ट्रेट लाइन में होगी उसको कहेंगे लीनियर मोशन। ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन जो कर्व्ड पाथ मीन सर्कुलर पाथ में होगी, दायरानुमा रास्ते में होगी, उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन जो इन दोनों लाइन से मिल मिला के बनी हो, मतलब रैंडमली कभी इधर जा रहा है बॉडी, कभी उधर जा रही है, तो ऐसी मोशन को रैंडम मोशन कहेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन 3 टाइप्स की एग्जांपल्स डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे।